हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। आई एम वर्षा धीमान, वेलकम टू माय क्लास। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? हम जनरल साइंस कर रहे हैं, जनरल साइंस में हम बायोलॉजी पार्ट कर रहे हैं थ्योरी के लिए, और साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ, बैच अभिमन्यु स्टार्ट हो चुका है 27th of January से। जो एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बैच अभिमन्यु ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स ने सीएचएसएल का टीयर वन क्वालिफाई किया है वो साहिल मित्तल सर का डिस्क्रिप्टिव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके प्राइजेस हैं 499 रुपीज़, और सभी डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन पर है, तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा, एसएससी ट्यूब साइट पर चेक कर लीजिएगा और कॉल करके जो भी आपको क्वेरीज है वो पूछ लीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है, तो हम एनिमल किंगडम शुरू कर चुके हैं। एनिमल किंगडम में हमने दो फाइलम कर लिए हैं, जो भी उसके बेसिक फीचर्स होते हैं, बेसिक विशेषताएं होती हैं जिसके बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है, वो सब हम लोग कर चुके हैं। और कल की क्लास में हमने दो फाइलम को किया था, आज हम आगे के दो फाइलम्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो जनरल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशंस भी लेकर आए हम क्वेश्चंस के अंदर, थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। और हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको पता लग ही गया होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ACIO का नोटिफिकेशन आ गया है, आपका नेक्स्ट वीक में ही एग्जाम है, तो थोड़ा सा जनरल साइंस को और थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, हाँ जी महाराज, प्लीज समझे, क्या समझे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। हाँ जी देखिए, एनिमल किंगडम के अंदर, ये मैंने थोड़ा सा कल भी आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन कराया था कि आपके टोटल 11 फाइलम्स हैं जो हमको स्टडी करने होते हैं। अगर हम देखें तो एनिमल किंगडम को करीबन 36 फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जितना कि इम्पोर्टेंट होता है वो हम 11 ही फाइलम्स करते हैं। कल को स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि मैम आप थोड़ा सा ज़्यादा करा रहे हैं, अगर ये ज़्यादा है तो ग्रेजुएशन लेवल और जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं उसमें आप क्या पढ़ेंगे, उसमें तो और ज़्यादा आता है स्टूडेंट्स। ये आपका बिल्कुल बेसिक है, आपने जनरल साइंस के क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं जो यहाँ से मतलब डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड हैं। ठीक है, हाँ जी मोहम्मद रहमान, मैं आपको एनिमल किंगडम करा रही हूँ, साथ में आप एनिमल किंगडम के दो फाइलम करेंगे, और ठीक है उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो रेलवे एग्जाम्स में आ चुके हैं, उनकी पूरे डिस्क्रिप्शन डिस्कशन होगी कि कैसे हम किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं और हर एक ऑप्शन कैसे रिलेट नहीं कर रहा था क्वेश्चन से, जिसकी वजह से हमको उसको एलिमिनेट करना पड़ा। हाँ जी, हाँ जी, अभी आपका क्लास शुरू हो रहा है, संडे को नहीं होती है आपकी क्लास, संडे को नहीं थी आपकी क्लास, आपके वीकडेज में क्लास होती है। एक दिन तो आपको भी चाहिए ना कि जो आपने पूरा हफ्ता पढ़ा है उसको आप माइंड में रिटेन कर सकें। हाँ जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है चलो क्लास शुरू करते हैं। तो बेसिक जो होता है ना, क्लासिफाई जिस बेसिस पे करते हैं हम सभी फाइलम्स को, वो मैंने आपको सैटरडे की क्लास में कराया था, उसके बाद कल मैंने आपको दो फाइलम्स कराया था, और आज हम आगे की जो तीन फाइलम्स है वो करेंगे। ठीक है, जो भी मतलब धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ आते हैं, अलग अलग फीचर्स वो शो करते हैं उसके बेसिस पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हैप्पी चॉकलेट डे, हाँ जी ये तो विश कर ही सकते हैं। ठीक है चलो शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो हमने इन दोनों ही फाइलम्स को कर लिया है, इनमें अभी तक एडवांस लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू नहीं हुआ था। हाँ जी, और जो भी सेशन को लाइव देख रहे हैं वो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम देखने के लिए बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो एग्जाम के लिए जितना ज़रूरी होता है, टर्म्स जो भी ज़रूरी होती है हम उन पर मेनली ध्यान देते हैं, और आपके जो भी डाउट्स अगर कल की क्लास से हो रहे हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हम करेंगे तीन फाइलम्स हम आज करेंगे, प्लेटीहेलमिंटस, एस हेलमिंटस और एनेलिडा। ठीक है, हर एक फाइलम की अपनी कुछ फीचर है जिसकी वजह से वो पीछे वाले फाइलम से
आगे एडवांस हो जा रहा है और आगे वाले फाइलम से थोड़ा सा डिफरेंट है पीछे की तरफ, ठीक है। तो उन्हीं बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। इनके एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी आपके डिजीज कॉजिंग बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्हीं क्लासेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एस्कैरियस, एलिफेंटाइटिस, अर्थ वर्म्स, हम ये हर्माफ्रोडाइट मैंने कल आपको बताया। तो ऐसे ऐसे जो टर्म्स होती हैं ना, यहाँ से आपको बेसिक से करें तो ही समझ आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज ट्यूसडे है, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। हाँ जी, हैप्पी मैम। हाँ जी, देखिए चलो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कल मैंने आपको बताया था, इसको आप हैशटैग करके नोट्स में नोट कर लीजिएगा। एकाइनोडर्मेटा ही एक ऐसी फाइलम है जो दोनों टाइप की सिमेट्री को, बायलेटरल सिमेट्री भी और रेडियल सिमेट्री को एग्जिबिट करती है, ठीक है, शो करती है अलग अलग स्टेजेस पर, लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर, एम्ब्रियोनिक लेवल से, फिर उसका लार्वा स्टेज, देन आपका अडल्ट स्टेज। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो वेरिएशंस है, फाइलम सिमेट्री है कि नहीं है, सिलोम प्रेजेंट है, डिप्लोप्लास्टिक है, डिप्लोप्लास्टिक है, ये मैं बहुत ही डिटेल में, मतलब जितना जरूरी, इतना भी नहीं कि आपका 4-5 घंटे का लेक्चर हो, जितना जरूरी है उतना बता चुकी हूँ। तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी अटेंड किया करो, ठीक है। अगर आपको कहीं पर डाउट रह जाता तो प्रीवियस लेक्चर्स को जाके चेक करके आया करो और सेशन को लाइक करो, शेयर करते रहा करो, ठीक है स्टूडेंट्स। और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर आपको सभी नोट्स मिलेंगे। साइंस बाय वर्षा मेरा टेलीग्राम चैनल है। चलो, बहुत वार्म अप हो गया, अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। डाउट जहां पर आए, जो चीजें समझ में नहीं आए, साथ में पूछिए रहिए, पूछते रहिएगा। देखो ये फाइलम हमको आज करनी है, ये हम फिनिश कर चुके हैं, ठीक है, ये हमारा फिनिश हो गया है, ये हमको स्टार्ट करना है। आज हम ये 3 फाइलम्स को स्पीड थोड़ा सा हम बरकरार रखेंगे, ताकि हमारा जो लेसन है, हाँ जी स्पीड हम थोड़ा सा बरकरार रखेंगे। अच्छे, हाँ जी मैं हिंदी में ही बोलूंगी, अब हमारा मेन लेक्चर जो होगा वो मैं हिंदी में ही करूंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ठीक है, ताकि हमारा जो सेशन है वो जल्दी से टाइम लिमिट के अंदर ही सब कुछ फिनिश हो जाए। ये हमारा पेंडिंग बचेगा, इसको हमें करना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, वेलकम टू द फाइलम प्लैटीहेल्मिंथस, ठीक है। प्लैटीहेल्मिंथस फाइलम, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, प्लैटी मतलब फ्लैट, ठीक है, ये वो हेल्मिंथस है। हेल्मिंथस वर्ड हम वॉर्म्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये वो हेल्मिंथस है जिनकी जो बॉडी है, जिनका जो शरीर है वो फ्लैट है, चपटा है, ऊपर से लेकर नीचे तक डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी है इनकी, ठीक है। ये इनका लेकिन बॉडी फीचर पुराने जो हमने फाइलम पढ़े, सिलेंट्रेटा पढ़ा है, पॉरीफेरा पढ़ा है, उनसे एडवांस है ये थोड़ा सा। कौन सा टेस्ट आपका अच्छा हुआ रोशन, ये तो काफी अच्छी न्यूज है, आपने ये बात बता के तो खुश कर दिया। चलो कुछ तो फायदा हो रहा है कुछ स्टूडेंट्स को लेक्चर से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभिनव। देखिए आपके बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं, माने कि सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर इनको दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, माने कि द्विपक्षीय रूप से सममित, सिर्फ दो ही पक्ष में, एक ही प्लेन में सिर्फ दो ही पक्ष में, या तो सीधी लाइन से आप कट करोगे जो सेंटर से क्रॉस करे, या फिर आप टेढ़ी तिरछी एक ही बार इनको ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है। इनके जो टिश्यूज होते हैं, देखिए देखिए आप कंफ्यूज कर जाते हैं डिप्लोप्लास्टिक में या फिर आपका ट्रिप्लोप्लास्टिक में, तो जो इनके अंदर जो होता है ना, टिश्यू लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एडवांस है, ठीक है। टिश्यूज के अंदर तीनों लेयर्स फॉर्म हो रही है, एक्टोडर्म की भी, मेसोडर्म की भी और आपका एंडोडर्म की भी, लेकिन जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सिर्फ शुरू हुआ है, ठीक है। टिश्यू जो है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक शो कर रहे हैं। अच्छा, 15 को आपका एग्जाम है, हाँ जी, तो रिवीजन जो सेशन है ना इसके जनरल साइंस का, वो इंपॉर्टेंट रखेगा, वो सब अटेंड कीजिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होगा, क्योंकि मैंने जनरल साइंस के ढेर सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है और विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, वो ट्रिप्लोप्लास्टिक शो करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ शुरुआत होता है इनके अंदर, ठीक है। ये आपके असिलोमेट है, माने कि इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, इनके ऑर्गन्स जो है वो इतने डिफरेंशिएटेड नहीं हुए, इनके जो अंग प्रणाली है वो इस तरह से विकसित नहीं हुए कि इनके शरीर के अंदर स्पेस हो, कैविटी हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखिए, कोई इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं है इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन, जिसके अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गन जो है वो समा जाए, एकोमोडेट कर पाए, तो इस वजह से इनको एसिलोमेट कहा गया है, ठीक है। इनके बॉडी ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है वो मेसेनकाइमा से फिल्ड होता है। देखिए देखिए,
ये जो मीजोडर्म जो हम वर्ड यूज करते हैं मिडल कैविटी के लिए, सेंट्रल कैविटी के लिए, वो हम एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर यूज करेंगे, जिसमें जो ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर है वो तीनों लेयर्स पूरी तरह से डेवलप है। अगर तीनों लेयर पूरी तरह से डेवलप नहीं है तो जो बीच का कैविटी का रीजन है, इनके केसेस में उसको मेसेनकाइमा कहा गया है। और जो मैंने कल आपको बताया था वहां पर मेसोग्लिया था, ठीक है। तो हर एक का अपना ऐसा कुछ फीचर है जिसकी वजह से वो पीछे वाले से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड करती हूँ जितना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है मैंने आपको भर भर के करा दिया है, चाहे वो आपके लिए जरूरी है कि नहीं, आप कॉपियां काली करने में लगे हो, नहीं। तो ये जो बात आप कल बोल रहे थे ना कि मैम थोड़ा सा एडवांस लेवल, ये एडवांस लेवल नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक है। एडवांस तो तब शुरू होगा जब आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इधर देखिए, हाँ जी, तारीफ के लिए शुक्रिया। हाँ जी, कि आपको मेरा समझ में आ रहा है ना, बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। आज की तारीख में मेरे लिए बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे इन रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगी कि जो इस क्लास के बाद जनरल साइंस का ऑब्जेक्टिव सेशन होगा, आप उसको क्वेश्चन अच्छे से आंसर करें, ठीक है, आपके अच्छे अच्छे से आंसर्स आए। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, एडवांस का तभी यूज करेंगे जब आपको बेसिक आता होगा। देखिए इसके एग्जांपल्स देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। प्लेनेरिया हम इतनी बार पढ़ते भी हैं, जो आपका रीजनरेशन भी शो करता है, ठीक है। कल परसों में आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था, उसमें भी लिखा हुआ था कि हाइड्रा था, साथ में आपका प्लेनेरिया था, ठीक है। हाइड्रा आपका सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है एंड प्लेनेरिया आपका प्लेटीहेलमिंथस फाइलम से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन था ये दोनों, इनको दोनों को कॉमनली कौन सा रिप्रोडक्शन मेथड ये फॉलो करते हैं, ठीक है, जिससे ये अपनी ग्रोथ कर सके, दूसरे ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो सके। तो यहाँ पे आपका प्लेनेरिया है, तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए वो कौन सी फाइलम से बिलोंग करता है। तो इस फाइलम के अकॉर्डिंग ये रीजनरेशन शो करेगा, हाइड्रा के अकॉर्डिंग वो फ्रेगमेंटेशन, और कंबाइनली ये दोनों रीजनरेशन, इनके अंदर कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट इनका कटवट जाए, वहीं से दोबारा से रिजनरेट हो जाते हैं। पैरासिटिक मतलब कि क्या होता है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये परपोषी होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, जीव जंतु पर डिपेंड करते हैं, खाने के लिए भी और सपोर्ट के लिए भी, ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, हाँ जी, ठीक है। स्टूडेंट्स इधर देखिए, इसके एग्जाम्पल आपके हुक्स एंड सकर्स और लीवर फ्लूक, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपके कमेंट्स आज मतलब पढ़ाने की तारीफ को लेकर कुछ ज्यादा है, आप मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पाएगी अच्छे से, ठीक है। हाँ, ये भटको मत और भटकाओ भी मत, ठीक है, अच्छे से सेशन फिनिश करना है, हमको तीन फाइलम्स आज फिनिश करने हैं, और सेशन को लाइक भी करो और शेयर भी करो ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, ये आपके एंडो पैरासाइट्स होते हैं, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, ये आपके कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ पशुओं के अंदर, इवन दो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी रिजाइड करते हैं, ठीक है। ये आपका कहाँ से, इनके बॉडी के अंदर स्पेशल कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, इनके बॉडी सर्फेस पे ऊपर, जिससे ये न्यूट्रिय को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इनका एक्सक्रीटरी पोर होता है, यहाँ पे इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, जिससे ये कोई भी सब्सटेंस होता है उसको अंदर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसको पचाते हैं। देखिए फ्लैट वर्म्स होते हैं, ये चपटे होते हैं स्ट्रक्चर्स में बिल्कुल ही, ठीक है। और ये यहाँ पे इनका जेनाइटल पोर होता है, ठीक है, इनके सेक्सेस जो होते हैं, मतलब ये जिस वजह से रिप्रोड्यूस कर सके, उसके लिए यहाँ पे इनके पास जेनाइटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये इनका क्या होता है, एक्सक्रीशन के लिए, सकलिंग के लिए, फिर मतलब ये जो ब्लड सक कर रहे हैं, उस तरह से जो एक्ट कर रहे हैं, किसी पर पैरासाइट है या चिपक के रह रहे हैं, वहां से खाना ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो इस तरह से इनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। या आपकी माउथ ओपनिंग है, एलिमेंट्री कैनाल है सिंगल ओपनिंग वाली, ठीक है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको जानने जरूरी होते हैं। तो जब भी आप ऐसे टॉपिक्स को पढ़े ना, तो दिमाग में उसका स्ट्रक्चर रखो, ठीक है, वो कैसे बना हुआ था। इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं, जो मैंने बताया ना, इनके पास एक्सक्रीटरी जो साइड में पोर्स है, उससे ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, माने कि पानी की मात्रा अंदर कितनी है, बाहर कितनी है, जिससे कि वो बैलेंस कर सकें, ठीक है। हाँ जी, लाइक टारगेट कितना है, आप ही खुद ही डिसाइड कर लो, और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करो, और बताओ सबको, लाइक कराओ, सेशन को शेयर कराओ, ठीक है। अभी हम ऐसे टारगेट लेकर नहीं चल रहे, मेन मेरा टारगेट है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है।
लाइफ टारगेट को हम बाद में डिसाइड करेंगे, मेन मेरा टारगेट है कि जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आए, क्वेश्चंस के आप आंसर प्रॉपरली कर दें, ठीक है। इनके जो फ्लेम सेल्स होते हैं उनसे एक्सक्रीट आउट करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं होते, माने कि ये भी आपके हर्माफ्रोडाइट्स है। देखिए स्टूडेंट्स, कल भी हमने हर्माफ्रोडाइट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और ये भी आपके स्पंजेस भी आपके हर्माफ्रोडाइट्स है, जो हमने पोरिफेरल फाइलम के अंदर पढ़ा था, और यहाँ पे जो आपके ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो भी हर्माफ्रोडाइट्स हैं, माने कि जो लीवर फ्लूक्स हैं, ठीक है, और ये लीवर फ्लूक्स हैं आपके, ये भी क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं। और इसके आगे जब मैं आपको अर्थवर्म्स कराऊंगी ना, अभी हम अर्थवर्म्स करेंगे, तो वो भी आपके क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर, एक ही शरीर के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है, इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब कि एम्ब्रोनिक स्टेज से और एडल्ट स्टेज के बीच में, मतलब जहां से भ्रूण बना है और जहां उसकी फाइनल स्टेज है, पूरी तरह से विकसित वो बना है, उसके बीच में कोई लार्वी स्टेज भी है, कोई इंटरमीडिएट स्टेज भी है जिससे उसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो इस तरह की डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, ठीक है। अब मेल और फीमेल गैमेट जो है वो एक ही बॉडी के अंदर बन रहे हैं, तो वहीं पर उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। वो पानी पर एग्स ले नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना ही किसी सरफेस पर एग्स ले कर रहे हैं, या फिर किसी सरफेस की हेल्प से मूव करके जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ जी अवनिकांत, आपको मेरा PDF इस लेक्चर का मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, साइंस बाय वर्षा, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। और आज के लिए टारगेट आपका 250 ही हम लेकर चलते हैं, 250 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं। आप सेशन को लाइक करो, शेयर करो। हाँ जी हाँ जी, IB का एग्जाम मेरा भी है, हाँ जी 18 फेब को एग्जाम है, कैसे क्या होगा, जो लेक्चर्स चल रहे हैं वहां से आप जनरल साइंस कीजिए, ठीक है, करंट अफेयर्स कीजिए, क्योंकि जनरल साइंस का काफी इंपॉर्टेंट है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, मैथ्स और साइंस रीजनिंग। हाँ जी, प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्पीड अप करो, बूस्ट अप करो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। हाँ जी, इंटरनल में क्या होता है अभिनव, कि फीमेल बॉडी और मेल जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही बॉडी के अंदर है, ठीक है, तो वहीं पर आपके दोनों गैमेट्स बनते हैं, फ्यूज करते हैं। कभी कभी देखो, जरूरी नहीं है कि वो सेम ही सेल्फ ही हो, कभी कभी क्रॉस पोलिनेटेड मतलब इन्वर्टेड दूसरी बॉडीज पर आपके अटैच होती है, और इस तरह से इनका जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये अर्थवर्म के केस में हम थोड़ा सा डिटेल में क्या पढ़ते हैं, कि दो अर्थवर्म्स, एक अर्थवर्म का जो फीमेल जेनिटल पार्ट है वो फॉरवर्ड की तरफ है, मेल जेनिटल पार्ट बैकवर्ड की तरफ है, तो उसके ऊपर इन्वर्टेड, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से इनका गैमेट फ्यूजन होता है और न्यू इंडिविजुअल जो है वो बॉर्न होते हैं, ठीक है। हाँ जी ठीक है, ये होता है बस इतना। हाँ जी गुड मॉर्निंग, हेलो हाय, ठीक है। प्लेनेरिया मैंने बता दिया आपको, हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी शो करता है, माने कि उच्च उत्थान क्षमता, ठीक है, अगर उसका कोई भाग कट फट भी जाता है तो वहां से दोबारा से रीजनरेट होता है। जैसे कि हमारा लीवर जो है अगर वो डैमेज हो जाए तो वो दोबारा से क्या होता है, उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो दोबारा से ग्रो कर लेता है, तो वैसे ही जो प्लेनेरिया है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एक प्लेनेरिया जो कि हाईएस्ट रीजनरेशन पावर शो करता है। इतना आपको समझ में आया? हाँ जी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां देखो क्या कह रही हूं मैं आपको नेक्स्ट। हाँ जी, यहां देखो, हाँ जी सुशील, थैंक यू फॉर सजेशन। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, UPSC देंगे, और फिर आप लोग भी गर्व महसूस करोगे जब आपके टीचर का UPSC क्लियर होगा, ठीक है। आप लोग भी UPSC, तो आप लोग का भी नॉलेज लेवल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरैक्टिव वे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आप क्वेश्चंस लेकर आते हो, आंसर्स करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी देखो पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान रखो, ना खुद भटको ना मुझे भटकने दो, फोकस करो यहाँ लेक्चर के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। इनका टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। टिश्यू इनका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन में इनका सिर्फ इनिशिएशन हुआ है, वहां पर ये अभी भी असिलोमेट है, और टिश्यू में इनके तीनों लेयर्स बन गए हैं, और जो इनकी मिडल लेयर होती है उसको हम यहाँ पर मीजोडर्म ना बोल के मीजोकाइनमी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इनके ऑर्गन्स मैं वहां डायग्राम में बनाकर भी बता चुकी हूँ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन गया है, हाँ जी बन गया है, मेल और फीमेल गैमेट जो है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बना है, माने कि इनके अंदर अभी तक ब्लड नहीं आया है,
ठीक है, इनके अंदर ब्लड नहीं है सर्कुलेट करने के लिए, ये चीज ध्यान रखो। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं बना है, नोज नोस्ट्रिल्स कुछ नहीं है, और ना इनके पास सिर्फ एक ट्रू एनस है, बताया ना मैंने, एक पोर है, ठीक है, जहां से ये क्या कर रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेट भी कर रहे हैं, और जो भी इनको नहीं चाहिए वेस्ट मटेरियल उसको बाहर भी निकाल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी हाँ जी, डेली आपकी क्लास 11:15 होती है स्टूडेंट्स, और सेशन को लाइक भी करो साथ साथ शेयर भी करते चलो। ये क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, ये एंडोपैरासाइट्स हैं, ठीक है, ये दूसरे की बॉडी पर ही डिपेंड कर रहे हैं सपोर्ट के लिए और खाने के लिए, तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस भी अगर इनको मिल रही है तो इनके बॉडी फीचर्स इस तरह से कि वहां पर भी सर्वाइव कर जाएंगे। साथ में ये ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो पानी पर पाए जाते हैं और नमी वाले इन्वायरमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका फिनिश हो गया जितना भी जरूरी था प्लैटीहेलमिंथस, ठीक है, उसकी कुछ ही टर्म जरूरी, एग्जाम्पल्स जरूरी है, वो हम लोग सब कर चुके। नेक्स्ट हमारी फाइलम है फाइलम नेमेटोडा, और इसी का ही दूसरा नाम है एस हेलमिंथस। ठीक है, हेलमिंथस का मतलब क्या होता है, हेलमिंथस का मतलब होता है वॉर्म्स, जितने भी आपके वॉर्म्स है, और यहाँ पे आपका एश हेलमिंथस का मतलब है कि इनका जो बॉडी का शेप है, क्रॉस सेक्शन है, वो गोल है, सिलेंडर के जैसे, अगर आप उसको कट करोगे ना तो बिल्कुल सर्कल आपको दिखाई देगा, इसी वजह से इनका जो कॉमन नेम है वो है राउंड वॉर्म्स, इनको राउंड वॉर्म्स कहा जाता है, और इनको नेमेटोड्स भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। अब सिलेंड्रिकल बॉडी है उसको सिर्फ आप बायलेटरली ही सिमेट्रिकली कट कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक ही प्लेन में वो दो उसमें डिवाइड होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हाँ जी स्टूडेंट्स, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब अब इनके अंदर ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो गए। एंड स्टूडेंट्स, जो भी मेरा लेक्चर फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, वहाँ पर ऊपर यूट्यूब लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ पर यूट्यूब से कनेक्ट कर लीजिए, ताकि आपके जो कमेंट्स हैं, मैसेजेस हैं, वो मैं पढ़ पाऊँ, आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उन सबका हम यहाँ आंसर कर पाएँ। ठीक है, जो भी फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं वो भी यहाँ पर SSC ट्यूब चैनल पर आ जाइए। हाँ जी, इधर देखिए, इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक माने कि 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं, ये मैं हर चीज में आपको क्लियर कर चुकी हूँ। यहाँ पर जो है इनके अंदर थोड़ा एडवांसमेंट हो गया, मतलब ये सूडोसिलोम, इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो बनने लग गई है, लेकिन वो पूरी तरह से ट्रूली डेवलप नहीं हुई है, वो आपकी सूडोसिलोम है। ठीक है, सूडोसिलोम है मींस फास्ट, और किससे बनी है, वो ब्लास्टोसील से बनी है, अलग अलग जो आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो आपके ब्लास्टो सेल्स प्रेजेंट है उससे बनी है ब्लास्टोसील, और वो आगे जाके मेन ट्रू कैविटी फॉर्म नहीं करती है, इसी वजह से उसको सूडोसिलोमेट कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, बट इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, माने कि इनका माउथ भी पूरी तरह से डेवलप है, और इनका एनस पार्ट जिससे एक्सक्रीट आउट कर सके वेस्ट मटेरियल को, वो भी पूरी तरह से डेवलप है, तो थोड़ा सा इनका भी एक लेवल जो है वो बढ़ चुका है। हाँ जी नमस्ते नमस्ते, हाँ जी करंट अफेयर्स का क्लास आपका मॉर्निंग में होता है 9 बजे स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट, जो भी लाइव देख रहे हैं लाइक करो। हाँ जी देखिए, हाँ शुभ दोपहर, ठीक है, हाँ जी देखिए लेक्चर नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, इन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इससे पहले वाले हर्माफ्रोडाइट्स थे, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म के थे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन शुरू हो गया है। मैंने आपको उस दिन भी दो टर्म्स बताई थी, मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस का मतलब होता है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होना, मेल एंड फीमेल, अगर दोनों अलग अलग के अंदर प्रेजेंट है तो उसको डायोशियस कहते हैं। ठीक है, और इनका जो बॉडी फीचर, आप इनका बॉडी फीचर देखिए, फीमेल जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मेल बॉडी स्ट्रक्चर से बड़ा होता है। ठीक है, इनके माउथ ओपनिंग भी होती है और एक्सटेरियर ओपनिंग, दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं इनके एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर, और मेल का स्ट्रक्चर जो है फीमेल के कंपैरेटिवली छोटा होता है। नेक्स्ट आप देखिए इनकी और क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, हाँ जी ये भी हम कर चुके हैं बार बार। ठीक है, डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, मे बी उनमें लार्वी स्टेज फॉर्म हो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर डायरेक्ट इनका अडल्ट फॉर्म हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी
बीपीएससी के लिए अगर आपने साइंस का बायोलॉजी या फिर जूलॉजी सेक्शन अगर आपने सेलेक्ट किया है ना, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिक यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। हाँ जी, बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऐसे पूछते रहा करो, बताते रहा करो कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, फ्रीली रह रहे हैं नेचर के अंदर, एक्वेटिक, पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, और ये पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं। हाँ जी, हाँ जी ब्यूचेरिया, हाँ हाँ मैं अभी कराऊंगी वो एग्जाम्पल। देखो एलिफेंटाइटिस, हाँ जी वही यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ गए हैं आपके। ये मेनली पैरासिटिक जो वॉर्म्स हैं जो डिजीज कोज करते हैं, एस्कैरियस डिजीज कोज करते हैं, माने कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करके जो डिजीज कोज करते हैं उसको एस्कैरियस कहते हैं, और एलिफेंटाइटिस डिजीज, ठीक है, इनका पैरासाइटिक नेचर है, ये एलिफेंटाइटिस डिजीज कोज करते हैं, मतलब आपके लेग्स और हैंड्स, जो आपके लेग्स हैं वो फूल कर एलिफेंट साइज तक अटेन कर लेते हैं इस वॉर्म की वजह से, ठीक है, वो एलिफेंटाइटिस होती है, फ्यूचेरिया डिजीज उसको बोलते हैं, ठीक है। इनके पास जो एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है वो क्या काम करते हैं, इनके बॉडी के अंदर एक न्यू फीचर क्या आ गया, एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट है, उसका काम क्या होता है, बॉडी वेस्ट को हटाना, ठीक है। और इसके सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल्स है ना वो आपके यहाँ है, क्या है इसके कॉमन एग्जाम्पल्स, आपके पिन वॉर्म्स आपके हो गए, हॉर्स हेयर वॉर्म्स हो गए, टिंचेलिया स्पाइरलिस हो गया, लोसीफेरा हो गया, एस्कैरियस हो गया, ये आपके मेन एग्जाम्पल्स हैं जो किसी भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं, ब्लड इनके अंदर अभी आया ही नहीं है, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी हाँ, क्यूलिक्स, हाँ मॉस्किटो, हाँ फिलेरियस जो होती है, जो डिजीज कोज करते हैं एलिफेंटाइटिस, इसका वेक्टर कौन होता है, ठीक है, जो ये आपके ऑर्गेनिज्म है एस हेलमिंथस के, जो ये डिजीज कोज कर रहे एलिफेंटाइटिस, इसको ह्यूमन तक लेके कौन आ रहा है, इस वॉर्म के, इसको वेक्टर लेके आ रहे हैं, क्यूलिक्स मॉस्किटो। देखो मेन आपके ये तीन ही मॉस्किटोज होते हैं जो किसी भी डिजीज को कोज करते हैं, क्यूलिक्स और एनोफिलीज, और तीसरा क्या है, हाँ जी स्टूडेंट्स बताइए, हाँ जी एलिफेंट लेग डिजीज भी बोलते हैं, बहुत सही, आपके नॉलेज काफी अच्छी है। हाँ जी स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इस चीज के लिए, देखिए आपका इतना ही जरूरी है, ठीक है, एक्सेस में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ एक्सेस में कुछ नहीं कर रहे, जितना जरूरी होता है एग्जाम के लिए उतना ही हम यहाँ पर लेके आए, और इसके बाद जो जनरल साइंस का सेशन है आपका, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड सेशन है, वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बस ये फाइल अप करते हैं, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब आपका एक्सेस हो जाता है थियोरी को लेके, अदरवाइज इसके बाद आपका जनरल साइंस सेशन काफी ईजी और काफी ईजी गोइंग होगा। एनालिडा, फाइलम एनालिडा जो है, देखो जैसे कि नाम से ही पता लगता है, इनकी जो बॉडी फीचर्स है उसमें सेगमेंट्स हैं, ठीक है, मैटमेरिक सेगमेंट्स की फॉर्म में इनकी बॉडी फॉर्म होती है, इस तरह से सेगमेंट्स इनकी बॉडी में बने होते हैं, ठीक है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है एनालिडा। एनालिडा का मतलब होता है छोटी छोटी रिंग्स होना, अर्थवर्म्स तो आपने देखे ही हैं, ठीक है, केचुए जिनको हम बोलते हैं वो इसी का ही एग्जाम्पल है, जो कि आपके फील्ड्स में भी यूज होते हैं, जो वर्मी कंपोजिट बनाने के लिए यूज होते हैं। इनकी बॉडी को मेनली तीन पार्ट्स में, तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पे अब हल्के हल्के से इनका नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया है, जो इनका हेड वाला पार्ट है, ठीक है, जहाँ अब नर्व्स बनने लग गए हैं, उसको प्रोस्टियम कहा जाता है, प्रो मतलब ऊपर वाला हिस्सा, स्टोमियम, प्रोस्टोमियम कहा जाता है, और ये जो पूरा इनका इन बिटवीन वाला पार्ट है इसको ट्रंक कहा जाता है, और नीचे जो है इनका, ठीक है, पोस्ट सेगमेंटल रीजन, उसको पाइगिडियम कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा टर्म्स को आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रोस्थेटिक एंड प्रोस्टियम क्या होता है, इस तरह से बॉडी आपकी हेड और टेल में डिफ्रेंशिएटेड है, सर पे आपका हेड वाला पार्ट है, नीचे आपका टेल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, माने कि पूरी तरह से ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुके हैं, ठीक है, तीनों लेयर्स प्रेजेंट है, साथ में बॉडी कैविटी अच्छे से प्रेजेंट है, अच्छे से डेवलप है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, माने कि सिलोमेट है, और वो आपकी क्या है, अब यहाँ पर बॉडी कैविटी को नाम दे दिया गया है मेसोडर्म, जो मेन टर्म हम पढ़ते हैं बॉडी कैविटी के लिए, सेंट्रल बॉडी कैविटी के लिए। देखिए ये आपकी बाहर की एक्टोडर्म है, ठीक है, जो भी आपकी स्किन लेयर और एपिडर्मिस फॉर्म करती है, सेंटर पे यहाँ पर आपकी एंडोडर्म होती है, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी लाइनिंग फॉर्म करते हैं, और ये जो रीजन होता है ना, ये आपका मिडल में जो कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो स्पेस है जो इंटरनल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को एक जगह दे रहा है, वहां पर इनके अच्छे से कैविटी प्रेजेंट है, जिसका नाम है मेसोडर्म।
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये भी आपके बायलैटरल सिमेट्रिकल है, माने कि बॉडी को आप एक ही प्लेन के अंदर दो में डिवाइड कर सकते हैं। इनके पास मसल्स भी प्रेजेंट है, मतलब इनके मस्कुलर टिश्यूज भी डेवलप होने लग गए हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज भी डेवलप होने लग गए हैं, इसी वजह से आपका लोकोमोट कर पाते हैं, यहाँ से वहाँ ये मूव कर पाते हैं। ये आपके एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, फ्री लिव करते हैं, या फिर कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। जो एक्वेटिक एनालिड्स है, जिसमें हम एग्जाम्पल नेरेसिस का करते हैं, इनके पास लेटरल अपेंडेजेस भी, मतलब यहाँ से वहाँ चलने के लिए फोर्स आपके साइड में अपेंडेजेस भी प्रेजेंट हो, जिनको पैरा पोडियास कहा जाता है। ठीक है, पोडियास का मतलब होता ही लेग्स है, और पैरा मीन्स लेटरल, साइड में जो अपेंडेजेस होते हैं। हमने सूडोपोडिया टर्म पढ़ा है, तो देखो वर्ड्स का मीनिंग आपको ऐसे पता होना चाहिए। हाँ जी, विचेरिया ब्रोकलिस वेक्टर है, नहीं वो आपका एस्कैरियस, वो डिजीज कोज कर रहा है, वो तो आपका एसेलमेंटस है ना। वेक्टर तो आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो है सुशील। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, आरआरबी ग्रुप डी के लिए ही क्लास है अभी आपका, देखिए इसके बाद जनरल साइंस का सेशन है आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्टूडेंट्स। हाँ जी, अर्थवॉर्म्स की आईज नहीं होते, क्योंकि अभी इनके सेंस ऑर्गन्स डेवलप हुए ही नहीं है। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, कुछ ही चीजें इनकी डेवलप हुई है, धीरे धीरे से अलग पार्ट्स इनके डेवलप होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है। हाँ जी प्रकाश, मैं आपके कमेंट का जवाब दे चुकी हूँ, आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपकी क्लास है अभी, आपका जनरल सेशन जनरल साइंस का पीवाईक्यू स्टार्ट होगा। 10 मिनट्स में हम ये टॉपिक फिनिश करते हैं, पहले हम थोड़ा सा बेसिक करते हैं, उसके बाद हम आपका जनरल साइंस का पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, कोई और सवाल इसके बाद? अब एनालिडा के आगे, हाँ जी बिल्कुल सही, ये तो मैंने बोला कि अब आपकी शुरुआत होगी सिलोमेट की, अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगे। ठीक है, अब कोई अलग टर्म नहीं होगी, मिजोग्लिया मिजोकाइमा ऐसे कोई शब्द नहीं होगा, आप सीधा मिजोडर्म हम बोलेंगे। तो अब मैं इसको आगे इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगी, तो जो टर्म्स अब तक हो चुकी हैं उनका आपका मीनिंग याद रखना है, पूरा टाइम दिमाग में रहना है इस सेशन को करते टाइम। ठीक है, बार बार हम वही टर्म्स नहीं रिपीट करेंगे। ठीक है, देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, माने कि आपका आपके जैसे कि हमारे यहाँ नर्व्स होती है ना, नर्व्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो इनके अंदर भी जो फ्लूइड है वो नर्व्स के अंदर, आर्टरीज और वेन्स, उस तरह से नर्व्स होती है उसके अंदर। ठीक है, और इनके नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, जो लेटर नर्व्स को कनेक्ट करते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के, डबल वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड में नर्व कॉर्ड है। ठीक है, क्यों देखो इनका नर्वस सिस्टम डेवलप होने लग गया है। ठीक है, पेयर ऑफ गैंग्लियास प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे अंदर न्यूरॉन्स होते हैं ना, जिनको हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम का बेसिक इकाई कहते हैं, उसी तरह से इनके अंदर गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, किस चीज में पार्ट करते हैं, वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्ट करते हैं, और ऑस्मो रेगुलेट करने के लिए, जो भी इनके बॉडी में वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ह्यूमंस के अंदर, और जो आपके अदर कॉर्डेट्स हैं वैसे यहाँ पे नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर अब इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होने लगे हैं। ठीक है, तो जो इनके ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर सिस्टम है ना, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, स्टूडेंट को सेक्शन को लाइक भी करते रहो साथ साथ में, नहीं मैं गुस्सा नहीं होके पढ़ा रही हूँ, मैं आराम से सीरियस होके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप सीरियस होके सुनो, इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है। हाँ जी, नेरेसिस मैं आपको एक बार पहले भी बता चुकी, इनके अंदर सूडोपोडियास प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडियास प्रेजेंट होते हैं, मतलब साइड में अपेंडेजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये लोकोमोट कर पाते हैं, यहाँ से वहां मूव कर पाते हैं। ठीक है, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, अर्थवॉर्म की हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो भी आपका क्या होता है, अर्थवॉर्म और लीचेस। देखिए अर्थवॉर्म्स और लीचेस की हम बात कर रहे थे पीछे, जब मैंने आपको प्लेनेरिया फ्लूक वॉर्म्स कराया था वहां पे भी, और साथ में हाइड्रा भी, स्पंजेस भी, ये सब आपके क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, इसके एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, स्लज वॉर्म्स, मेडिसिनल लीच, ल्यूक वॉर्म और सेलेनेरा। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है ये सभी जो मैटर है, उतना ही यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपके क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए अब आपका इंटरेस्टिंग सेशन शुरू हो रहा है, जनरल साइंस का पीवाईक्यूस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ जी, और कल एक थोड़ा सा डाउट था, मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था
कि जो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अंदर कौन सा फॉरेस्ट आता है, तो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट आते हैं सुंदरवन डेल्टा की वजह से, जो वहाँ पे सुंदरी ट्रीज है, सुंदरवन ट्रीज है उसकी वजह से। ठीक है, क्या आप लोग रेडी हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन आंसर सेक्शन के लिए? ठीक है, अब आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। अब तक तो सिर्फ ये था कि मैं बोल रही थी, आप लोग सुन रहे थे, अब क्वेश्चन एंड आंसर राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्टिवली सभी क्वेश्चन एंड आंसर का आंसर कीजिएगा, बताइएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, नहीं ऐसा तो मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी अमन, अर्थवर्म नहीं, अर्थवर्म्स को हाँ आप रिजनरेट कर सकते हैं, हाँ तभी हम फील्ड्स में आपका कंपोजिट बनाने के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप लोग रेडी है क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए? अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, वेरी गुड, ऐसे करके बता दो कि आप लोग रेडी हैं। ठीक है, उस सेशन को लाइक भी करते रहो, साथ में सेशन को लाइक भी करते रहो, और जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं वो यूट्यूब पर आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए और आपके, ताकि मुझे कमेंट सुनाई दें, पता लगे कि क्या आप आंसर कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? ए अर्थ पृथ्वी, बी जुपिटर बृहस्पति, सी मर्क्यूरी बुध, डी मार्स मंगल। धरती के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? ठीक है, आप 5 मिनट ब्रेक लो, सोचो इस क्वेश्चन का आंसर इतना, और स्टूडेंट्स हाँ जी आप थोड़ा रिलैक्स करो, 5 मिनट ब्रेक लो, इस क्वेश्चन का आंसर सोचो और मुझे बताओ कि क्या होगा, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह होता है? हमारे सोलर सिस्टम के अंदर टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं? देखिए स्टूडेंट्स, हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर मर्क्यूरी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ये आपका ग्रुप डी एग्जाम और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन है आपका। देखिए सन के सबसे नजदीक होता है मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनियस, देन नेपच्यून। ठीक है, सबसे नजदीक आपका मर्क्यूरी होता है, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून। तो आपको ये ना ये ट्रिक याद होनी चाहिए, ये मतलब आपको तरीका याद होना चाहिए किस तरह से ये प्लैनेट्स अरेंज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं, जो भी स्टूडेंट 9 बोल रहे हैं उनका आंसर गलत है। अब हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स हैं। ठीक है, जो लास्ट प्लैनेट प्लूटो हुआ करता था उसको ड्वार्फ, ठीक है वो उसको ड्वार्फ प्लैनेट, उसके जो फीचर्स हैं, ठीक है उसके बेसिस पर उसको यहां से कैटेगराइज से हटा दिया गया है। ठीक है, अब आपके टोटल 8 ही प्लैनेट्स हैं। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या है कि आपका डे टाइम और नाइट टाइम का मर्क्यूरी के ऊपर सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस इस वजह से है, यहाँ पे डे टाइम और नाइट टाइम के टेम्परेचर में सबसे ज्यादा वेरिएशंस होते हैं। अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं और ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। अर्थ पर पानी सबसे ज्यादा है और वेजिटेशन भी सबसे ज्यादा है, इसी वजह से ये यहाँ पर रहने योग्य है, यहाँ पर आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो अर्थ प्लैनेट पृथ्वी ग्रह पर हम लोग रह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईसीजी इज डन टू डायग्नाइज एन एलिमेंट कनेक्टेड विद, ईसीजी से डैश से जुड़ी बीमारी के निदान के लिए किया जाता है। ईसीजी की फुल फॉर्म बताइएगा मुझे क्या होती है, और इससे हम कौन सी बीमारी का पता लगाते हैं, कौन सी बीमारी का पता लगता है इससे? गुर्दे की बीमारी का, हृदय की बीमारी का? एक्टिव होके सुनिए, बताइए क्वेश्चन के आंसर। दिमाग की बीमारी का या फिर रक्त की बीमारी का? ईसीजी हम किस लिए करते हैं और ईसीजी की फुल फॉर्म भी बताओ। हाँ जी गौरी त्रिपाठी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। साथ में आप मुझे ये भी बताओ कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ईसीजी की फुल फॉर्म भी बताओ स्टूडेंट साथ में।
वेरी गुड अमन, देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ईसीजी की फुल फॉर्म। ये किया जाता है आपके हृदय संबंधित जो बीमारी है उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको पहचानने के लिए कि वो कौन सी बीमारी है। इलेक्ट्रोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है, और कार्डियो का मतलब ही होता है हृदय, ठीक है। कार्डियो सर्जन होता है, कार्डियक अरेस्ट आता है, दिल का दौरा पड़ता है उसको कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक सर्जन जो दिल की बीमारियों के साथ डील करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रो, ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। किडनी से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है, ठीक है, उससे पता लग जाता है कि आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है, आर्टिफिशियली उनको इन्फिल्ट्रेट ताकि वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को कर सके, तो डायलिसिस, ठीक है, डायलाइज किया जाता है, डायलिसिस के साथ उसको कनेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। अगर आपकी किडनीज जो है फंक्शनल नहीं है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, तो डायलिसिस पे रखा जाता है। हार्ट के लिए ईसीजी होता है, ब्रेन के लिए क्या होता है सीटी, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, और पीईटी होता है, ठीक है। ये जो होते हैं ब्रेन से रिलेटेड डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है, और ब्लड सैंपल को डायग्नाइज करने के लिए आपका डब्ल्यूबीसी का कितना अमाउंट है, प्लेटलेट्स का कितना अमाउंट है, आपके आरबीसीज का कितना अमाउंट है, आपको ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट ऑप्शंस का मतलब समझो, अगर आपको मे भी ईसीजी का मतलब नहीं भी पता है, तो अगर आपको और सभी जो यहाँ पे ऑर्गन्स का नाम दिया गया है उनका अगर आपको पता है तो वहाँ से भी आप रिलेट करके इसको कर सकते हो कि आपका ये हार्ट ही होगा, हृदय होगा, ठीक है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा हार्ट, हृदय, और इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सही दिया था, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, जय हिंद जय भारत। हाँ जी, हाँ इलेक्ट्रोग्राफ, देखो जो बनता है वो, हाँ हाँ इलेक्ट्रोग्राम ये जो होता है ये किया जाता है, और जो मिलता है आपको इलेक्ट्रोग्राफ मिलता है। ग्राम और ग्राफ में फर्क है, दोनों ही वर्ड्स यूज होते हैं। हाँ जी, हाँ सीटी, हाँ कंप्यूटेड टोमोग्राफी, हाँ जी हाँ जी। इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सही इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, Which of the following is the purest form of carbon? निम्नलिखित में से कौन कार्बन का शुद्धतम रूप है, ठीक है, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है कार्बन की, और क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी, और जो भी मेरे लेक्चर सुन रहे हैं मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, साइंस बाय वर्षा, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स के नोट्स मिलेंगे, और यहाँ पे सेशन को लाइक भी करो साथ साथ में, ठीक है, सेशन को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, शुद्धतम रूप कौन सा है, और क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर ए दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। चारकोल कैसे हो सकती है कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे शुद्धतम, ठीक है। हाँ डायमंड, हीरा, हीरा बोलते हैं ना, हीरा सबसे शुद्ध होता है। हाँ जी लोग, हाँ डायग्राम, हाँ इमोजीज भी सेंड कर रहे हैं, हाँ वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डायमंड है, क्यों है, देखिए डायमंड आपका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म इस वजह से क्योंकि वो होमोजेनियस स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। जो डायमंड का स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है आपके 4 कार्बन आइटम्स, ठीक है, ये आपका ग्रुप 4-4 कार्बन आइटम्स ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस तरह से अरेंजमेंट्स होती है जो ये पूरी चेन, ठीक है, ये आपके होमोजेनियस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसी वजह से कार्बन के सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है कार्बन डायमंड को, चारकोल को नहीं कहा जाता है, ठीक है। चारकोल कैसे फॉर्म होता है, ये आपका कंबशन प्रोडक्ट है, ठीक है,
और ग्रेनाइट जो होता है वो आपका इग्निशियस रॉक है, ये कार्बन इसके अंदर है ही नहीं, ये तो आपका कंसिस्ट करता है माइका को और अदर मिनरल्स को, एम्फीबोल्स मिनरल्स को। और ग्रेफाइट तो आपको पता है एलोट्रोप जो है, जिससे आपकी पेंसिल लीड बनती है, ब्लैकिश कलर का होता है, वो भी कैसे प्योरेस्ट फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन का आंसर, ग्रेफाइट आपकी इम्प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ भी करना चाहिए। डायमंड की जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहती है, आप उसको हीट कर लो, कुछ कर लो, तोड़ लो, फोड़ लो, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहेगी, उसके अंदर डैमेज नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से आपकी डायमंड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, ठीक है। ये आपका ग्रेनाइट जो है इग्निशियस रॉक है, ठीक है, इसके अंदर कोई कार्बन का कंटेंट नहीं, ये आपका माइका और एम्फीबोल से मिलकर बना हुआ है। चारकोल आपका कंबशन प्रोडक्ट्स है और ग्रेफाइट आपका इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर एलोट्रॉप है कार्बन का। ये क्यों है मेन, क्योंकि ये आपका होमोजेनियस और कंसिस्टेंसी इसकी मेंटेन रहती है, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो ये मैंने नहीं चेक किया सबसे पहले किसने आंसर दिया, हाँ हाँ, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाता है आप आंसर दे देते हैं, बस इतना ही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, टेलीग्राम चैनल है साइंस बाय वर्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही एक्टिव रह रहे के आप क्वेश्चन के आंसर देते रहो साथ साथ में, ठीक है। साइंस बाय वर्षा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर अब तक की जितनी क्लासेस हुई हैं उसके नोट्स आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डायमंड था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखिए, समझिए, बताइए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्वेश्चन बहुत बार, देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके हर साल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उनको तो आप गलत बिल्कुल भी मत किया करो, ना यहाँ पर ना एग्जाम में। वायुमंडलीय दबाव को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, थर्मोमीटर का, बैरोमीटर का, सिस्मोमीटर का, या फिर ऑसिलोस्कोप का। और हर एक जो आपके ऑप्शंस हैं उसका यूज बताइए कि उससे आप किस चीज को मेजर करते हैं। थर्मोमीटर होता है ताप मापक यंत्र, बैरोमीटर वायु मान यंत्र, सिस्मोमीटर भूकंप मापी, और ऑसिलोस्कोप होता है आपका ऑसिलोस्कोप, ठीक है। चारों का इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, चारों के यूज भी बताइए कि चारों का आप किस किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ जी वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स का। हाँ जी वेरी गुड, हाँ हाँ सही है बिल्कुल। इस क्वेश्चन के साथ मनाओ दुनियादारी, हाँ सेशंस के साथ, सेशन अटेंड करो अच्छे से, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर स्टूडेंट्स का ठीक है। बताइए अब मुझे बताइए, थर्मोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, देखिए थर्मोमीटर माने कि ताप मापक यंत्र, इससे टेम्परेचर का पता लगता है, इससे आप टेम्परेचर चेक करते हो, ठीक है, तापमान पता लगता है। बैरोमीटर, इससे आप वायुमान, और इससे मतलब हवा का जो दबाव है, ठीक है, उसको चेक करते हो, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे पता लगता है। सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर से जो आपकी अर्थक्वेक, जो आपके भूकंप के जो सिस्मिक वेव्स हैं, तरंगे हैं, ठीक है, उसकी कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, किस इंटेंसिटी के साथ भूकंप आ रहा है, वो सिस्मोमीटर से पता लगता है, ठीक है। और ऑसिलोस्कोप से पता लगता है, जो भी आपकी कैथोड रेज होती हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स की रेज होते हैं, प्रोटॉन्स की रेज होती है, उनमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, जब वो यहाँ से वहाँ ऑसिलेट करते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, किस स्पीड से वो एक जगह से दूसरी जगह वाइब्रेट करके जा रहे हैं, वो आपका ऑसिलोस्कोप से पता लगता है। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, टू एंड फ्रो जो मोशन होता है पार्टिकल्स का, ठीक है, कैथोड रे पार्टिकल्स का, उसे कहते हैं ऑसिलोस्कोप से मेजर करते हैं ऑसिलेटरी मोशन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बैरोमीटर है, ठीक है स्टूडेंट। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बताया था। हाँ जी हाँ जी, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्ज में मेजर होती है। हाँ जी हाँ जी, भूकंप की, हाँ हाँ, मापने के लिए कितना तीव्र आपका भूकंप आ रहा है, किस इंटेंसिटी के साथ ज्यादा भूकंप आ रहा है कम, वो आप सिस्मोमीटर से चेक करते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आप बिल्कुल अच्छे एक्सप्लेनेशन। देखिए मेरा मेन मोटिव सेशन का है कि आपको हर एक ऑप्शन का भी मतलब पता हो, ताकि आप उसको एलिमिनेट करना सीख जाएं, ठीक है। सही नहीं भी आ रहा है तो गलत को हटा दो, जो बचा वो सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए, क्विनाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होता है? सिंकोना, कोकोआ, मलबरी और यूकेलिप्टस। और जो क्विनिन है ये किस पर्टिकुलर बीमारी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है वो भी बताइए। स्टेथोस्कोप से अशोक मालवीय, हम हार्ट बीट चेक करते हैं, ठीक है, हार्ट बीट आपकी क्या, हाँ दिल की धड़कन को चेक करते हैं। प्रकाश कुमार सैनी, हाँ जी कोई तो है जो डिसलाइक भी करता है सेशन को, आप लाइक करो और शेयर करो, ठीक है, हाँ जी। कैथोड रेज पार्टिकल से, हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ साथ साथ में, सिंकोना है और कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं ये जो ड्रग बनता है क्विनिन, ये भी बताइए साथ साथ में। और अदर जो आपके एग्जांपल्स हैं, नहीं मलबरी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स, बी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी जल्दी, टाइम बहुत लेते हो आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ जी चिनकोना जो है, ठीक है, ये आपको चिनकोना पेड़ से मिलता है ये ड्रग, और इसको मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। मलेरिया जो फीवर है वो प्लाज्मोडियम कोस करता है, इसके बारे में हम अपनी पहले वाली क्लासेस में भी बात कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो चिनकोना है इसकी जो छाल है, इसके जो बार्क है, ठीक है, वो इस्तेमाल में लाई जाती है इस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करने के लिए। और इसको हाफ चिनकोना को सेक्रेट बार्क भी कहा जाता है, ठीक है, पवित्र छाल, और इसी का ही दूसरा नाम आपका जीसस बार्क भी कहा जाता है, ठीक है। इस पेड़ का बहुत ही बड़ा इस्तेमाल है, इसकी छाल से आपकी मलेरिया जैसे बीमारी की इलाज बन रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, मलेरिया फीवर का। कोकोआ जो बीन्स हैं, कोकोआ के जो सीड्स हैं, बीन्स जो है, बीज जो है, उससे आपका कोकोआ बनता है, जो भी आप कॉफी पाउडर बनता है और लिक्विड्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मलबरी, मलबरी आपका मोरस अल्बा, इसका साइंटिफिक नेम है मलबरी, ठीक है। इनको ये एडिबल होता है। और दूसरी चीज जो आपके सिल्क वॉर्म्स है, रेशम के जो कीड़े हैं, ठीक है, वो आपके इस पर मलबरी सिल्क पर ही वो ग्रो करते हैं, वहीं से आपका न्यूट्रिशन लेते हैं। यूकेलिप्टस की लकड़ी, जो आपके सफेदे के पेड़ होते हैं, जो आपके रोड के साइड में लगाए जाते हैं, ठीक है, सफेदे का जो पेड़ होता है, इससे इसको हम सफेदे का पेड़ का पेपर और पल्प इंडस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पेपर बनाने के लिए, जो हम कागज जिसमें हम लिखते हैं वो इस ही पेड़ से मिलता है आपको, ठीक है, उसी के पल्प को कलेक्ट करके फिर पेपर इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है और वहां से आपका पेपर बनता है स्टूडेंट्स। हाँ जी मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम के जो स्पोर्स है उसको ह्यूमन तक लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर जो फीमेल उस पर फीड करती है, ह्यूमन के ब्लड को सक करती है और मलेरिया कोस करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत बार बात हो चुकी है, आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड स्पीड ऑफ ए व्हीकल, जो किसी भी वाहन की गति को रिकॉर्ड करे उस उपकरण को क्या कहते हैं, और जो किसी भी वाहन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितनी दूरी किसी भी वाहन ने तय की है, उसको हम किससे मेजर करते हैं, साथ के साथ आप मुझे वो भी बताइए, इसके लिए मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, ठीक है। कितनी दूरी तय की है उसको हम किससे मेजर करते हैं, और क्या स्पीड है आपके वाहन की, क्या स्पीड है उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से, उपकरण से मेजर करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दो स्टूडेंट्स आप। मेरा नाम है वर्षा, आप कितनी बार पूछोगे, सेशन में आगे भी लिखा हुआ है, उस चीज पर ध्यान मत दो, मुझे बताओ डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट ना करो, जो यहां पर पूछा गया है उस सवाल का जवाब दो, ठीक है, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। आप अपना भी डिस्ट्रैक्ट होते हो और फिर और स्टूडेंट्स को भी डिस्ट्रैक्ट करते हो, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, फिर क्या फायदा है सेशन का। डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों का ज्यादातर सही है, डिस्टेंस का भी आंसर दो, एक भी स्टूडेंट ने अभी तक आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का। अच्छा स्टूडेंट्स, हाँ जी हाँ जी,
वेरी गुड अमन, हाँ जी एक क्वेश्चन का आंसर सही आया। जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए किसी भी वाहन की क्या गति है, किस स्पीड से वो वाहन चल रहा है वो पता लगता है स्पीडोमीटर से, ठीक है, और उस वाहन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी दूरी तय की है वो पता लगता है ऑडोमीटर से, ठीक है। जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी होते हैं, बाइक्स होते हैं, उस पर दो जो मीटर्स लगे होते हैं, एक से पता लगता है कितनी दूरी तय हुई है और एक से पता लगता है किस स्पीड से दूरी तय हुई है, ठीक है। ये दोनों याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाइक तो सब लोग चलाते हैं, उसका ये फंक्शंस भी पता रखो। ह्यूमरस बोन कहाँ पर सिचुएटेड होती है, ह्यूमरस बोन कहाँ पर सिचुएटेड होती है, और हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, साथ में मुझे ये बताओ, शॉर्टेस्ट बोन की तो कुछ टाइम पहले बात हुई थी, लॉन्गेस्ट बोन बताओ और बताओ ह्यूमरस बोन कहाँ पर सिचुएटेड होती है, थाई में, नी में, अपर आर्म में या फिर फोर आर्म में, ठीक है स्टूडेंट। हाँ वेरी गुड राजेश, अभिषेक, हाँ जी बहुत सही, हाँ जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ह्यूमरस बोन कहां पर सिचुएटेड होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन कर रहे हो मुझसे कि बाइक में एक और मीटर होता है, उस मीटर का क्या यूज है। देखो स्पीडोमीटर बता दिया है, आपका ऑडोमीटर बता दिया है, थर्ड आपका जो टेक्नोमीटर होता है, टेक्नोमीटर टेक्नोमीटर आपका ये बताता है कि कितना आप घुमा घुमा के गाड़ी चला रहे हैं, कितने राउंड्स हैं, कितना ऑसिलेट कर रही है आपकी गाड़ी, तो उसके उसकी स्पीड को बताया जाता है टेक्नोमीटर से, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ह्यूमरस जो बोन है वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है। देखिए जो ह्यूमरस बोन है, ठीक है, ये आपकी अपर आर्म में प्रेजेंट होती है, आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो ये हड्डी होती है ना, शोल्डर से लेकर एल्बो तक की ये जो हड्डी होती है, ये आपकी होती है ह्यूमरस बोन, ठीक है। ह्यूमरस बोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको सपोर्ट करने में भी हेल्प करती है। देखो ये यहाँ के जॉइंट के साथ भी जुड़ी हुई और यहाँ के जॉइंट के साथ भी जुड़ी हुई, तो सपोर्ट में और रोटेशन में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट, ठीक है। और साथ में इधर देखिए सबसे लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी बोन होती है आपकी थाई बोन, ठीक है, और इसका नाम क्या होता है आपका फेमर बोन जो होती है, आपकी थाई बोन सबसे लंबी हड्डी होती है, और आपके नी के ऊपर जो पेटीला और नी जॉइंट्स, आपकी नी की हड्डी आपके ऊपर वाले जॉइंट से भी जुड़ी हुई है, और नीचे जो आपका लेग है हिंट लेग उससे भी जुड़ी होती है, वहाँ आपकी पेटीला होता है, नी कैप जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है इसको। और फोर आर्म में, ठीक है, ये जो आपका हिस्सा है, ये जो आपका हाथ है, यहाँ पे आपकी दो हड्डियाँ हैं, रेडियस और अल्ना, ठीक है। तो फोर आर्म क्वेश्चन था आपका, ह्यूमरस बोन कहाँ की है, ह्यूमरस बोन आपकी यहाँ की है, अपर आर्म की है। अगर क्वेश्चन आता फोर आर्म, तो फोर आर्म के आप रेडियस और अल्ना, यहाँ की दो हड्डियों के नाम है रेडियस और अल्ना, जो आगे जाके आपकी कलाई से जुड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ से आपके एल्बो से जुड़े होते हैं। तो जब हम ये टाइम ये जो पूरा करेंगे ना ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम, वहाँ पर ये सब चीज़ों की बात करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका अपर आर्म है, ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, आयन, इलेक्ट्रॉन, एटम या फिर मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा कण क्या कहलाया जाता है। हाँ, और अगर वो फ्लूइड खत्म हो जाए तो आपको सर्वाइटस जो डिजीज होते हैं, हाँ सर्वाइकल्स की प्रॉब्लम्स होते हैं, वो नहीं अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं जितना इस क्वेश्चन को समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स है, जब हम पूरा स्केलेटल सिस्टम करेंगे ना, मानव ढांचा करेंगे, उस वक्त में मैं आपको सब चीजें और डिटेल में बताऊंगी।
एक क्वेश्चन पे ज्यादा अगर मैं टाइम लूंगी तो फिर सेशन आपका बोरिंग होता चला जाएगा, उतना ही करते हैं जो ऑप्शंस का मतलब है, ठीक है। ऑप्शंस का मतलब है, मैं आपको सिर्फ वो एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से अभी के लिए, ठीक है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल साइंस बाय वर्षा से मिल जाएगा। अभी के लिए सेशन आंसर्स दो, क्वेश्चन के आंसर्स दो, बताओ। एटम आपके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका एटम होता है। इलेक्ट्रॉन्स आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के अंदर जो आपके तीन भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। दो एटम से, दो से ज्यादा एटम से मिलकर आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके आयंस फॉर्म होते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आपका एटम है। एटम को बोला जाता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। कण, जो आपका कण होता है, ठीक है, एटम को बोला जाता है स्टूडेंट्स। सी इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन यू ईट कैरेट, ठीक है, कैरेट का कलर रेड क्यों होता है, साथ में मुझे ये भी बताएं इसका कलर रेड क्यों होता है, और जब आप गाजर खाते हो तो आप गाजर का कौन सा हिस्सा खा रहे हो, उसकी जड़ खा रहे हो, उसका तना खा रहे हो, उसके पत्ते खा रहे हो, या फिर उसका फल खा रहे हो, क्या चीज आप खाते हो जब आप गाजर को खाते हो। इस क्वेश्चन का आंसर दो स्टूडेंट्स। अभिनव शर्मा क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। हाँ जी बहुत फास्ट ही चल रहे हैं, और कितना फास्ट चलो, साथ में सेशन को लाइक भी करते रहो और शेयर भी करते रहो। बताओ हम गाजर का कौन सा हिस्सा खाते हैं, गाजर के अंदर कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से उसका रंग लाल होता है। हाँ हम गाजर की जड़ को खाते हैं, ठीक है। ये आपका अंडरग्राउंड, धरती के नीचे होती है गाजर आपके, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट हम नहीं खाते हैं जो आपके। और गाजर का रेड कलर होता है बीटा कैरोटीन पिगमेंट की वजह से, बीटा कैरोटीन पिगमेंट की वजह से गाजर का रंग जो है वो लाल होता है, ठीक है। गाजर खाना चाहिए, इससे आपका ब्लड भी बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स, लोहे का जंग लगना शामिल है। लोहे में जंग किस वजह से लगता है, ऑक्सीडेशन की वजह से माने कि ऑक्सीकरण, रिडक्शन माने कि न्यूनीकरण, डिकम्पोजिशन माने कि वियोजन, और डिस्प्लेसमेंट माने कि विस्थापन। किसकी वजह से लोहे पर जंग लगता है। हाँ जी कैरोटीन पिगमेंट, वेरी गुड, बीटा कैरोटीन पिगमेंट की वजह से गाजर का रंग लाल होता है। हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ जी विटामिन ए की कमी को पूरा करता है गाजर से आपका ब्लड जो है वो भी, रेड ब्लड हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी बढ़ाता है, गाजर खानी चाहिए, ठीक है, ब्लड रेड रहता है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ और गाजर की जो रूट होते हैं कॉनिकल रूट्स होते हैं, हाँ जब हम इसको पढ़ेंगे ना, ट्यूबरस रूट्स, कॉनिकल रूट्स, फेब्रस रूट्स, हाँ जी वहां पर मैं आपको और डिटेल में सब चीजें कराऊंगी, ठीक है। अभी काफी लंबा सेशन हो जाएगा, अभी स्टूडेंट्स इसी में ही बोर होने लग जाते हैं, अगर मैं हर एक को और डिटेल में बताऊंगी तो और ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स क्या होता है, देखो लोहे पर जंग जब लगता है, अगर आप लोहे को, आयरन को नेचर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसे ही एक्सपोज्ड छोड़ दोगे, खुला छोड़ दोगे, तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। एयर में जो नमी है उसके साथ रिएक्ट करके लोहे को ऑक्सीडाइज कर देती है, ऑक्सीकरण उसका कर देती है, और आपका आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाए, Fe2O3 फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो लोहे का ऑक्सीडेशन होता है, रस्टिंग लोहे के ऑक्सीडेशन को बोला जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है उसके अंदर हाइड्रोजन का ऐड हो जाना या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाना। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है स्प्लिट, टूट जाना। आपके पास पहले कोई कंपाउंड है, जैसे आपने उसको हीट किया या फिर किसी कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराया, तो वो दो भागों में, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में अगर टूट जाए, जो आपको फाइनल जो रिजल्ट मिले, अंत में जो आपको परिणाम मिले, अगर वो दो से ज्यादा हो तो उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी तब होती है जब एक कंपाउंड को आप दूसरे धातु के साथ या मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हो, और वो जो मेटल है ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उस कंपाउंड से उसी के ही मेन कॉम्पोनेंट को हटा दे, ठीक है। तो उस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। माने कि एग्जांपल आप देख लीजिए, जब आप आयरन के रिएक्शन कराते हो वाटर के साथ, तो आपका Fe2O3 फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है स्टूडेंट्स।
हाँ जी, और आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि उस पर रस्टिंग ना हो, हम गैल्वनाइजेशन करते हैं, जो मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग करते हैं या फिर उस पर पेंट करते हैं, ठीक है, ताकि जो लोहा है वो डायरेक्ट टच में ना आए, किसके, एटमॉस्फेयर के, उसको बचाने के लिए, लोहे को रस्टिंग से बचाने के लिए हम ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, अगला सवाल देखिए, विच पार्ट ऑफ ए टी प्लांट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टी, चाय के पौधे का कौन सा भाग चाय बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, कौन सा भाग लाया जाता है, सोचो आप, बताओ उसकी जड़ों को। टीवी में इतनी एड आती है, इसको तो आप प्लीज गलत मत कीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए, दो देखो हर जगह आपका दिमाग चलना जरूरी है अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल किताबी कीड़ा बनकर भी काम नहीं चलता, कभी कभी टीवी भी देखना आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। जिस दिन आपका आपकी क्लास नहीं होगी ना अमन, उसी दिन मेरा एग्जाम होगा, आप सोच लीजिएगा फिर किस दिन है। हाँ जी, हाँ जी, जिनका एग्जाम आ गया है एकदम आईबी का, उनको ऑल द बेस्ट, और जो भी एग्जाम्स आपके आ रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दे के आया करो और बताया करो आपका एग्जाम कैसा हुआ, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आए हो, और इस सेशन का कुछ फायदा भी हुआ है आपको कि नहीं हुआ है। हाँ, पत्ती, ठीक है, टाटा टी की एड आती है ना, छोटी पत्ती वाली चाय, बड़ी पत्ती वाली चाय। हाँ जी, ठीक है, टी प्लांट का हम लीव्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हाँ जी, इसकी चाय पत्ती, ठीक है। आगे देखिए सवाल, नेक्स्ट, द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड एज, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या मूल माध्यम में बदलती है उन्हें डैश कहा जाता है, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अच्छा, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्लास आपका डेली, क्लास आपकी डेली 11:15 बजे होती है स्टूडेंट, सेशन को लाइक भी करो और शेयर भी करो। हाँ जी अमन, थैंक यू, एंड यू टू बेस्ट ऑफ लक, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन जरूरी है, ये क्वेश्चन आएंगे। अच्छा राजकुमार, हाँ जी, ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम दे के आना और क्वेश्चन डिस्कस करना, बताते रहना कि, और स्टूडेंट्स की भी हेल्प करना कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, साइंस का कितना क्वेश्चन आया है। नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आप ज्यादातर लोग गलत कर रहे हो, जो सब्सटेंसेस, ठीक है, ऑर्डर चेंजेस, ठीक है, उनको आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हो, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नेचर, जो आपके नेचुरल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, जो एसिडिक और बेसिक मीडियम को डिफ्रेंशिएट करने में, इंडिकेट करने में हेल्प करें, वो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिनको मैन मेड बनाया गया, और एसिड बेस इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, जो आपके लिटमस पेपर आप यूज करते हो, ठीक है, वो आपके होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स आपने देखा भी होगा कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ खाया है, आपके व्हाइट कलर के कपड़े पर स्टेन लग गया है, ठीक है, आपने कुछ ऐसा ऑयली खाया जिसके अंदर एसिडिक कंटेंट ज्यादा है, तो जैसे ही वो साबुन डिटर्जेंट के कॉन्टेक्ट में आता है उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स है। सिंथेटिक जो मैन मेड इंडिकेटर्स है जिससे आप एसिड बेस को डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, इस क्वेश्चन में देखो स्मेल की बात की गई है, ठीक है, स्मेल, तो इसके लिए आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे, ठीक है, आपके जो सेंस ऑर्गन्स है, नोज, ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ये यहां से रिलेटेड है, तभी मैंने इस क्वेश्चन में देखो लिखते टाइम इसको हाईलाइट कर दिया था, ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए चला करो कि मैं किस चीज को हाईलाइट कर रही हूं और क्यों हाईलाइट कर रही हूं, ठीक है। नेचर, जो नेचर में ही प्रेजेंट है उनको आप यूज कर रहे हैं इंडिकेट करने के लिए कि ये सब्सटेंस आपका एसिडिक मीडियम का है या बेसिक मीडियम का है। सिंथेटिक जो ह्यूमंस ने बनाया है, एसिड बेस इंडिकेटर जो आपके लिटमस पेपर्स होते हैं, मिथाइल ऑरेंज, ये सब आपके एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी जो आप स्मेल से इंडिकेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हुए चला करो स्टूडेंट्स। हाँ जी, अच्छा,
हाँ, तो आप डिस्क्रिप्टिव क्लासेस के लिए भी प्रिपेयर करते रहो साथ में स्टूडेंट्स, वेरी गुड, जो एग्जाम क्वालिफाई किया आप लोगों ने, ऑल द वेरी बेस्ट नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। अच्छे से सब कुछ करो, प्राउड फील करो, मुझे भी, खुद को भी, पेरेंट्स को भी। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द, ट्रांसपिरेशन मीन्स वाष्प उत्सर्जन डैश के माध्यम से होता है। कहाँ से होता है? एक्सेस में जो पानी है उसका लोस कहाँ से होता है? वास्कुलर बंडल, सवनी बंडल से होता है, कॉर्टेक्स से होता है, स्टोमेटा, रंध्र, या फिर आपका एपिडर्मिस, जो आपकी बाहर की जो लेयर है वहां से होता है स्टूडेंट। हाँ जी, उस क्वेश्चन का आपका ऑल्फैक्टरी, हाँ जी, नॉस्ट्रिल्स, वेरी गुड, हाँ जी, हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। और कौन से सरफेस से सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है ये भी बताना साथ में। स्टोमेटा सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के लोअर सरफेस पर, ठीक है, लीव्स के लोअर साइड पर सबसे ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और वहीं से ट्रांसपिरेशन होता है, लेकिन वो लोअर साइड पर इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि पानी का लॉस कम से कम हो सके, पौधे को पानी की मात्रा जो है पूरी हो सके उसको। हाँ इस स्टूडेंट का आंसर बताइए, इसका आंसर आपका स्टोमेटा है, ठीक है। वास्कुलर बंडल से तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वास्कुलर बंडल्स में आपके जाइलम और जो फ्लोएम आते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, फूड मटेरियल्स को, वाटर को, मिनरल्स को, पानी को, खनिज को, जो भी वो भोजन बना रहे हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जो भी बन रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। कॉर्टेक्स जो छाल होती है वो प्रोटेक्ट करती है, वो डेड सेल से बनी होती है, उसका मेन काम ही ये होता है प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। अलग अलग टाइप की जो कंडीशंस, वातावरण के जो अलग अलग कंडीशंस होते हैं उसमें सर्वाइव कर सके, वहां से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। स्टोमेटा से ही ज्यादातर ट्रांसपिरेशन, माने कि पानी का भाप के फॉर्म में लॉस होना, ठीक है, उड़ जाना, और गैसेस का एक्सचेंज भी यहीं से होता है। नेक्स्ट आपका एपिडर्मिस, जो आपकी स्किन लेयर होती है, बाहर की जो लेयर होती है, लीव्स की लगा लो, स्टेम की लगा लो, वो उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस का मतलब होता है स्किन, ठीक है, और एपी का मतलब होता है बाहर, आउटर, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, हाँ जी, डेजर्टेड जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस के जैसे होते हैं। स्पाइंस की शेप में लीव्स होने का मतलब है, ऐसे कांटों की शेप में लीव्स होने का मतलब है स्टोमेटा से कम पानी का लॉस होना, क्योंकि उनको वो रेगिस्तान में पानी इतना मिल नहीं रहा है कि वो सर्वाइव ही कर जाए, और वो भी यहाँ से लॉस हो जाएगा तो फिर उनका कैसे ही तो काम चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इनमें से कौन से हैं जिन्होंने ये कहा था कि जो एटम की जो प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो एटॉमिक नंबर का फंक्शन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन ना साथ साथ में फिजिक्स के भी आएंगे, ठीक है, तो आप थोड़ा एक्टिव रहो, आपका एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्टिव रहो, ठीक है स्टूडेंट्स। बताइए किसने कहा था कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है पीरियोडिक फंक्शन? हाँ जी, और स्टोमेटा की हम बात कर रहे थे, हाँ जी, वो आपको समझ में आ गया है। ऑल द बेस्ट प्रीति, ऑल द बेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ जी, वेरी गुड, ज्यादातर स्टूडेंट्स का इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ, फिजिक्स के भी एमसीक्यू है, ठीक है, नोटबुक, पेन, नोटबुक लेकर बैठो, अब आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं फिजिक्स के भी। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है जो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, इससे पहले वाले जो मेंडलीव थी वो आपका एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। डॉबिनर तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था जिन्होंने कहा था कि पहले और आखिरी एक रो में सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और पहले और आखिरी एलिमेंट्स का अगर आप एवरेज करोगे तो दूसरे वाले का एटॉमिक मास आएगा। न्यूलैंड ने बताया था कि जैसे आपके सुर में आपके ऑक्टेव नोट्स होते हैं, सात नोटिव्स होते हैं, और फिर आपका एट जो होगा वो फर्स्ट के बराबर होगा, वो भी फेल हो गया था।
मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था कुछ हद तक सही था, लेकिन वो भी एटॉमिक मास पर बेस्ड था, ठीक है। उसमें भी हाइड्रोजन की पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा था, इस वजह से उसको भी आपने क्या कर दिया, डिसक्वालीफाई कर दिया। नेक्स्ट आपका न्यूलैंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आई मेन, उसके अंदर सभी जितने भी ड्रॉबैक्स थी और हर किसी के जो ड्रॉबैक्स थे उसको वहाँ पर पूरा कर दिया गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, उसी के अंदर ही जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, इस चीज को काफी डिटेल में बताया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, आगे देखिए अगला सवाल क्या है आपका। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखिए, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी वी एंड करंट वॉज डिस्कवर्ड बाय, संभावित अंतर वी और वर्तमान आई के बीच का संबंध किसके द्वारा खोजा गया था? पास्कल ने बताया था, टेस्ला ने बताया था, न्यूटन ने बताया था, फिर ओम ने बताया था, और ये यूनिट्स भी हैं, ठीक है। साथ साथ में आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये किस किस के यूनिट है, ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटीज को हम इनसे मेजर करते हैं, ये किसकी यूनिट है, साथ साथ में आप ये भी बताओ मुझे स्टूडेंट्स। देखिए, जब भी एक वायर के थ्रू, एक कंडक्टर के थ्रू, एक तार के थ्रू करंट फ्लो करता है, ठीक है, जब भी एक वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो जो वहां पर उसके दोनों एंड्स पर जो आपने बैटरी लगाकर उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, उसको संभावित अंतर दिया है, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस चीज के कि उस वायर के थ्रू, उस तार के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट पास कर रहा है। तो मतलब V आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो तो आपका R आता है, रेजिस्टेंस आता है, प्रतिरोध आता है कि कितनी रुकावट मिल रही है करंट को फ्लो होने में, ठीक है। तो ये जो R है इसकी SI यूनिट हम ओम लिखते हैं, ठीक है, माने कि इस जो प्रिंसिपल है, ये ओम्स लॉ का प्रिंसिपल है, वो किन्होंने दिया था, ये ओम्स ने दिया था, तभी तो उन्हीं के नाम से उनको याद करने के लिए हमने इसकी यूनिट को ओम्स लिख दिया है। रेजिस्टेंस जो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के जो वैल्यू आती है ओम्स, रेजिस्टेंस, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ओम्स है। पास्कल आपका प्रेशर से रिलेटेड है, टेस्ला आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, और न्यूटन आपका फोर्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, और प्रेशर की एसआई यूनिट है पास्कल। तो जिस भी साइंटिस्ट ने जो किया, जो दिया, उसी के बेसिस पर, उन्हीं को याद करने के लिए हमने ऐसे उनका यूनिट्स बना दिया। तो आपको ना कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे फिजिक्स के डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, आपका ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए, देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड। देखिए, कहने के लिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन रीजनिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके साइंस के कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है। तो आप रीजनिंग भी कर रहे हैं तो साइंस को दिमाग में रख के क्या करो, साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ संबंधित है उसी आधार पर जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द के साथ संबंधित है। मैग्नेटिक फील्ड आपका रिलेटेड है ऑरेस्टेड के साथ, पावर के साथ किसका संबंध होगा, ठीक है, बताइए। मैग्नेटिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो ऑरेस्टेड ने दिया था, ठीक है, तो पावर का कंसेप्ट किसने दिया था और पावर की यूनिट आपकी क्या होती है? हाँ 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 जी स्टूडेंट्स, कुछ आंसर सही आने लगे हैं। हाँ जी, इसका आंसर आपका वाट होगा, ठीक है, वाट। पावर की यूनिट आपकी वाट होती है, लीटर, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, आपके वॉल्यूम मात्रा निकालने के लिए लिक्विड्स की, ठीक है, तरल पदार्थों की हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट, अभी पीछे भी तो हमने बात करी, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, आपका संभावित जो अंतर होता है उसकी यूनिट होती है वोल्ट, और मीटर आपकी यूनिट होती है लेंथ की, लेंथ के साइड कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, वो हम किससे मेजर करते हैं, लेंथ से मेजर करते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा वॉट, ठीक है। साथ साथ में लिख लिया करो जो भी इंपॉर्टेंट हो, जो आपको ना समझ में आए, और पूछते रहा करो डेली। आपका 2-3 मिनट्स का मैं डाउट सेशन करती हूँ, पर आप कुछ डाउट्स लेकर ही नहीं आते हो। देखो, ए कार व्हाइल मूविंग इज फेसिंग अ विंड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। एक गाड़ी यहां चल रही है,
मुझे तो एम्बेसिडर्स पसंद है, मैं थोड़ा थोड़ा एम्बेसिडर बनाने की कोशिश करती हूँ, जिसके आगे भारत सरकार लिखा हो। ए कार व्हाइल मूविंग इज फेसिंग अ विंड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से वो विंड ये यहाँ की तरफ चल रही है और यहाँ से हवा आ रही है, ठीक है। द वर्क डन बाय द विंड ऑन द कार विल बी, तो ये जो हवा है जो इस गाड़ी पर वर्क कर रही है, कार्य कर रही है, वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा या फिर नेगेटिव होगा। जूल आपका ऐसा यूनिट होता है वर्क का और एनर्जी का, ठीक है, ऊर्जा का होता है स्टूडेंट। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, हर किसी का सपना होगा एम्बेसडर गाड़ी में बैठना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि हवा कौन सी डायरेक्शन में काम कर रही है आपकी गाड़ी के ऊपर। हाँ जी, सेशन को लाइक भी करो साथ में। हाँ जी, व्हाइट कलर के एम्बेसडर। हाँ हाँ, बताओ, करो इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, हाँ है, एक आंसर ठीक है। राधा कृष्ण, आपका आंसर ठीक है। फॉर द गेमिंग, नहीं ठीक नहीं। अभिनव, सही नहीं आपका। कैसे पॉजिटिव, कैसे अमन पॉजिटिव कैसे हो सकता है? हवा जो है वो गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है, हवा साथ में नहीं चल रही है गाड़ी के, गाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। मैंने इतने अच्छे से यहाँ गाड़ी बनाई है, साथ में हवा बनाई है, आप फिर भी नहीं, गाड़ी इधर जा रही है, हवा ऐसे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, नेगेटिव होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेगेटिव, गाड़ी के और हवा के बहाव में बहो मत, क्वेश्चन का आंसर सही से दो। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा यूनिट बताओ पावर के। कल मैंने इनका डिफरेंस, हाँ जी, कल मैंने थोड़ा सा आपको इनका कन्वर्जन भी बताया था। ऐसा यूनिट होती है पावर के वॉट, ठीक है, एनर्जी की ऐसा यूनिट, ऊर्जा की ऐसा यूनिट होती है आपकी जूल, और किलो वाट आपकी कमर्शियल यूनिट होती है, ठीक है, और अर्ग आपकी जो होती है सीजीएस यूनिट होती है एनर्जी की। कल भी मैंने इसका कन्वर्जन बताया था कि 1 जूल में 10^7 अर्ग्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो पावर की ऐसा यूनिट होती है आपके वॉट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका, ये जल्दी जल्दी से अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दो ताकि फटाफट से हमारा सेशन एंड हो। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, फिर आप लोग अपने आईबी एग्जाम के लिए और सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करने के लिए जा सकोगे। इधर देखो, दे आर 10 प्रोटॉन्स एंड 17 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट इज इट्स मास, क्या पूछा है ये देखना, मास पूछा है आपसे। एक तत्व के नाभिक में, मतलब केंद्रक में 10 प्रोटॉन है और 17 न्यूट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान एटॉमिक मास क्या होता है? हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है किसका सम होता है, किसके जोड़ से बनता है एटॉमिक मास, बनता है कितने उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, प्लस में जोड़ के कितने उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, कहां पर, न्यूक्लियस में, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में, केंद्रक में, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के जो आपका आंसर आता है वही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ, बताओ, 10 में 17 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कुछ स्टूडेंट 17 बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर गलत है विनोद, गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 10 जमा में 17 27 होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये है, ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पुट क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, एज यूजुअल इजी क्वेश्चन, ऐसे यूनिट क्या होती है प्रेशर की, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? दबाव की एसआई इकाई होती है स्टूडेंट पास्कल, ठीक है। ओम आपकी यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की, ठीक है, ये आपकी यूनिट होती है, ये आपकी रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की, ठीक है। कितना रुकावट आप दे रहे हैं जब करंट फ्लो कर रहा है एक वायर के थ्रू उसको, ठीक है। न्यूटन आपकी एसआई यूनिट होती है फोर्स की, बल कितना लग रहा है किसी चीज के ऊपर। डाइन आपकी सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की, ठीक है, और 1 न्यूटन आपका 10^5 डाइन्स के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर आपका पास्कल होगा, ठीक है। और ज्यादातर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को MMHg, ठीक है, MM ऑफ Hg मरकरी में भी मेजर करते हैं। मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसी के फ्लक्चुएशन से आपको पता लगता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना वेरिएशंस आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला सवाल देखिए आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव सेम SI यूनिट, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI इकाई नहीं है। पहले ही आपको बोला था कि फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा एक्टिव हो जाओ, जल्दी जल्दी से सवालों के जवाब देना, लेकिन आप लेट कर रहे हो। हाँ जी, देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव सेम SI यूनिट, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI इकाई नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, फोर्स और प्रेशर, वर्क और एनर्जी, स्पीड और वेलोसिटी, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
नहीं चल रही है मेरी भी मैथ्स की प्रिपरेशन, आप पहले साइंस की प्रिपरेशन करो, साइंस जरूरी है, अभी साइंस करो पहले। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी, ठीक है, वर्क और प्रेशर, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर होती है, डिस्टेंस की भी मीटर होती है, भाई ये तो नहीं होगा ऑप्शन। वर्क की भी यूनिट जूल होती है, एनर्जी की भी जूल होती है, ये भी नहीं होगा। स्पीड की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और पास्कल, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। पीछे वाले सवालों के अंदर इसका जवाब अपने आप ही मिल गया। तो देखिए एक ही शिफ्ट के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के, वो भी काफी रिलेटेबल, ठीक है। तो ध्यान दो इस चीज पर, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो तो देखो सारे क्वेश्चंस आपके गलत होंगे। कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला सवाल देखिए, देखिए द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कितने प्रेजेंट होंगे 81 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, 81 ग्राम एल्यूमिनियम में मौजूद मोल्स की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी मैं कमेंट भी पढ़ रही हूँ, बताओ शुभम क्या कमेंट था आपका। हाँ जी हाँ जी, कमेंट मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी बैच अभिमन्यु आपका 27 जनवरी से शुरू हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बैच अभिमन्यु ज्वाइन करो, और साथ में जो यहाँ लेक्चर देख रहे हैं सेशन को लाइक भी करो और शेयर भी करो, ठीक है। और साइंस बाय वर्षा मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से बिना देर करते हुए। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है कितना अमाउंट है, ठीक है, अपॉन में उसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास कितना, कितना अमाउंट आपको दिया हुआ है और जो आपको एलिमेंट या फिर जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है उसका एटॉमिक मास क्या होता है। तो कितना आपको अमाउंट गिवन है 81, एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का 27, तो आप इसको जब काटेंगे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होता है 3। और जो नंबर ऑफ मोल्स होती है ना स्टूडेंट्स, वो आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये आपका ग्राम्स बटे में ग्राम है, तो आपस में कट गए तो ये आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक ही शिफ्ट के ये सारे क्वेश्चन है, और मैंने इनको इसलिए एक साथ इंक्लूड कर लिया ताकि देख पता भी लगे कि आपको कितना रिटेन रहता है, दिमाग में कितना रहता है। सब्जेक्ट आपका जनरल साइंस है ये। हाँ जी हाँ, सेम टू यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक टू मी एंड यू टू। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बहुत ईजी सवाल था ये। When light travels from a denser medium to a rarer medium, what is the effect on its speed? जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पहले वो denser medium में move कर रहा था, मान लो किसी solid में move कर रहा था, अब light solid से air के अंदर जा रही है, ठीक है। तो पहले वो कंजेस्टेड माहौल में मूव कर रहा था, वो खुले माहौल में मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, घट जाएगी, जैसी है वैसी ही रहेगी, या फिर पहले घटेगी फिर बढ़ जाएगी, बताओ। बहुत ही इजी तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अगला सवाल देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन मैनी प्लांट्स बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशंस। निम्नलिखित में किस घटना में कई पौधे एक माता पिता से रोग मुक्त परिस्थितियों में उगाए जा सकते हैं, डिजीज फ्री कंडीशंस में, ठीक है। डिजीज फ्री कंडीशंस में तो आप आर्टिफिशियली किसी चीज को ग्रो करोगे तभी आप उगा सकते हो, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे तो आपके वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे, वेरिएशंस भी आएंगे और डिजीज होने के चांसेस भी बन ही जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर जो है आपके बीजाणु जो है वो हवा में, यहाँ वहां
मूव करके आते हैं, तो हवा के साथ मिलजुल के जब वो आ रहे हैं तो हवा के साथ कोई डिजीज भी लेकर आ जा सकते हैं। ठीक है, रीजनरेशन में तो क्या हो रहा है, आपका उसी प्लांट का उसी बॉडी का ही तो कोई पार्ट कोई टुकड़ा टूट के अलग हो रहा है, उसी से पूरा प्लांट बढ़ रहा है, तो उसके अंदर भी बीमारी होने के चांसेस हैं। अगर आप किसी एक सेल को लैब के अंदर ले जा करके वहाँ पे उसको सब अच्छे से कंडीशंस देके बिल्कुल पैक्ड कंडीशंस में अगर आप उसको ग्रो करेंगे तभी आपका डिजीज फ्री प्लांट बनेगा। तो आपका टिश्यू कल्चर इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल, माने कि उत्तक संवर्धन, ठीक है, इसी मेथड की वजह से डिजीज फ्री कंडीशंस वाले प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, बड़ा क्वेश्चंस कहाँ करा रही हूँ, जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मैं वो करा रही हूँ आपको। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि जो क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगेगा मैं उसको छोड़ दूंगी और फिर वो ना आपको समझ में आएगा ना मुझे, मैं बता पाऊंगी आपको। द टेस्ट सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इनमें से कौन सा सिस्टम है जो फ्लूइड तरल पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए, सर्वशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, यहाँ से वहां। नर्वस सिस्टम का होता है नर्वस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, नर्व्स की हेल्प से सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ से वहां लेकर जाना। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है जो भी वेस्ट मटेरियल है जिसकी जरूरत नहीं है आप शरीर को उसको ट्रांसपोर्ट करना। वास्कुलर बंडल्स जो आपके होते हैं उनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना लिक्विड को, तरल पदार्थ को, यहाँ से वहां ट्यूब्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, ये आपके ज्यादातर क्वेश्चंस हाँ जी रेलवे एग्जाम के हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपका रेलवे का ही चल रहा है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड सेल, वो पूरी तरह से डेड सेल से बना होता है, इनमें से कौन सा उत्तक ऐसा है जो पूरी तरह से मृत कोशिकाओं से बना होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा और जाइलम, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर हम सेशन को एंड कर रहे हैं, यहीं पर एंड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एरेन्काइमा, ये जो दोनों आपके टाइप्स हैं ये आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं आपके लिविंग सेल से बने होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देना प्लांट्स ताकि वो यहाँ से वहां मूव कर सके, ठीक है, न्यूट्रिशंस के लिए, एयर से। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं ज्यादातर फ्लेक्सिबल और थिन वॉल सेल्स होते हैं और ये आपके लिविंग सेल्स होते हैं। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है सिर्फ पानी को, ठीक है, और खनिज पदार्थों को जड़ों से, ठीक है, पूरे के पूरे प्लांट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना, तो उसको लिविंग सेल्स की जरूरत नहीं है। तो ज्यादातर जो जाइलम के सेल्स होते हैं वो आपके डेड सेल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हाँ जी, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। जाइलम के अंदर आपके ज्यादातर स्केलेनकाइमा नहीं था ऑप्शन में, ठीक है, ये आपका रेलवे एग्जाम का आपका क्वेश्चन है, डिट्टो मैंने वहां से लिया, स्केलेनकाइमा ऑप्शन में था ही नहीं, जाइलम आपका ऑप्शन में था स्टूडेंट। ठीक है, यही तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर आपका जाइलम है, जाइलम भी आपका डेड सेल से मिलकर बना होता है, आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है और ये भी आपका डेड सेल से मिलकर बना होता है, इस पर थोड़ा वर्क करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर बताओ, एल्युमिनियम मेटल को आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस से, कैल्सिनेशन से, रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन से। एल्युमिनियम जो आपका मेटल है, ठीक है, इसको आपको प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज किए जाते हैं उसको बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसको रिएक्ट करके इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसको ब्रेक किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि मेन आपका ओर होता है एल्युमिनियम का, ठीक है, उस पर हम बेयर्स प्रोसेस को काम करा के उसको हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ के वहां से हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं, एल्युमिनियम मेटल को प्राप्त करते हैं। कैल्सिनेशन प्रोसेस जब हम यूज करते हैं जब वो कार्बन कंपाउंड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रिडक्शन मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो सीधा हमने उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, उससे ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और हमें प्योर मेटल मिल गया। ऑक्सीडेशन तो हम किसी के रिमूवल के लिए, क्योंकि हमें ज्यादातर वो ऑक्साइड फॉर्म में मिल रहे हैं, उससे ऑक्सीडेशन को अलग करना होता है ना, तो ये तो आपका मेथड होता ही नहीं है एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है, कैल्सिनेट फॉर्म में अगर है तो हाँ उसको कार्बोनेटेड फॉर्म से हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, फिर हम अलग मेथड का यूज करके उसको उसके प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस सेशन को हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम नेक्स्ट आपकी थ्री जो फाइलम्स हैं, नेक्स्ट थ्री फाइलम्स को फिनिश करेंगे और जो ये क्वेश्चंस रह गए हैं उसको हम कल कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, सेशन को लाइक भी करना और शेयर भी करना, और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बता देना कि इस चीज़ को मैम थोड़ा सा नई समझ में आया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। और मेरे क्लास के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल साइंस बाय वर्षा से मिलेंगे, और SSC ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर पेशेंसफुल लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर।